शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यही कहीं पे होगी वो। चलो चलो देखते हैं, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, नहीं छोड़ेंगे उसे। लड़की हाथ में आई तो कान के गोली में डालकर फेंक देंगे। चलो 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 चलो, तू इस तरफ जा, तू इस तरफ जा, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बचपन की सहेली है इसकी, अगर उसकी शादी में न जाती तो बुरा लगता। तू बीच में मत बोल।
किसकी इजाजत से गई थी तू? बोल किसकी इजाजत से गई थी तू? बोलती है या तू है पंडाल का? सपना इधर आ। क्यों गई थी मुझसे पूछे बिना? अगर कुछ हो जाता तो? जितने दिन तूने जिंदगी में नहीं देखे उससे ज्यादा दुश्मन है तेरे बाप के शहर में, जानती है तू? सहेली की शादी में जाना तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो गया, हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारा हो गया। आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी, सुना तूने? अब जाओ और जाकर अपने कमरे में जाकर बैठो, जाओ। ये सब तुम्हारा किया कराया है, तुम्हें मालूम था कि वो घर से बाहर जा रही है, फिर भी तुमने उसे नहीं रोका। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो पहली गोली में तेरे सीने में मारूंगा। और तू इधर आ। गाड़ी किससे पूछ कर दी तूने? कहानियां इस बार हद से गुजर गया है प्रताप, खत्म कर दे साले को। इस वक्त उस पर वार करने से ज्यादा जरूरी है उसके अगले वार से बचना। हमारे धंधे में किसी एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन जाती है। कानिया की नजर हमारी कमजोरी पर पड़ चुकी है, उससे निपटने के लिए हमें अपनी कमजोरी को अपने से दूर करना पड़ेगा। मतलब? तो फोन लगा लंदन, हसमुख पटेल से बात कर, उसे कह के उसके सबसे खास दोस्त ने उसको याद किया है, उसे बोल कि सारे काम काज छोड़कर अपने बेटे को लेकर यहां चला है। मैं सपना ऋषभ का रिश्ता पक्का करना चाहता हूं कपूर, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी करके ये माहौल, ये शहर, ये देश छोड़कर कहीं दूर चली जाए। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, चारों बाजू से गोली चल रहा था शेट्टी भाई, एकदम अपनी हिंदी फिल्म के माफिक, पर अपन थोड़ी ना चुप बैठने वाला था शेट्टी भाई। जैसे ही अपन ने लड़की का आवाज सुना, अपन ने अपना बाइक स्टैंड पे लगाया और मैं देखता हूँ, और ये बोलकर मैंने इसको पीछे किया और मैं खुद कूद गया मैदानी जंग में। और एक मिनट, अपना हीरो रोहित किधर है? तुम्हारा स्टोरी में नजर नहीं आता, स्टोरी गड़बड़। अरे यही तो अफसोस की बात है कि वो उस वक्त भी नजर नहीं आ रहा था। अरे जैसे ही उन्होंने अपनी बंदूक निकाली वो तो गोली की तरह वैसे गायब हो गया। अरे वो तो मैं था, मैं जिसे... ओए चुप कर ओए, मैं था ना। सच बात तो ये शेट्टी भाई, गोलियों की आवाज सुनते ही ना हम सबकी तो तह निकल गई थी। वो तो अपना रोहित था जो अपनी जान पर खेलकर भिड़ गया उन सबसे। लड़की तो बच गई यारो, मगर लगता अपना दोस्त फंस गया।